ठीक है, तो टेस्टिस के बारे में देखेंगे। तो पहले हम डायग्रामेटिक एक फिगर देखेंगे और फिर इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद थ्योरीज वगैरह, ठीक है। तो ये देखिए, तो अगर टेस्टिस देखेंगे तो ये देखिए इस तरह का है टेस्टिस, ये देखिए दिस इज अबाउट टेस्टिस। ये गोल सा स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला, ये जो गोल सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला, यही है टेस्टिस, ठीक है। तो ए पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, ठीक है। अभी टेस्टिस है, ठीक है। अभी टेस्टिस के ऊपर जो देखेंगे तीन कवरिंग होता है, ठीक है। टेस्टिस में कितने कवरिंग होते हैं? तीन कवरिंग होते हैं। तो ये जो बाहर कवरिंग देख रहे हैं, ठीक है, ये आउटर कवरिंग है, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस। इसके ऊपर देखिए ये कवरिंग ऐसे दिख रहा है, ये वाला। तो ये जो कवरिंग देख रहे हैं ये टेस्टिस का, ये देखिए, ये ऐसे और ये ऐसे, ये वाला। तो ये दो, ये जो कवरिंग जो देख रहे हैं इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज ट्यूनिका वेजिनालिस कहते हैं। तो वेजिना इज प्रेजेंट इन फीमेल, ठीक है। वेजिना क्या होता है? फीमेल में, नाम से लग रहा है, ट्यूनिका वेजिनालिस वही नाम है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला, यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो देख रहे हैं कवरिंग, ये वाला, तो ये अंदर वाला लेयर है, एक बाहर है। तो ये देखिए बाहर है और ये अंदर, यही ना। तो जो बाहर वाला है इसको कहते हैं, दैट इज नोन एज पराइटल लेयर। कौन सा लेयर? पी ए आर आई ई टी एल, पराइटल लेयर कहते हैं, एलेवाइयर। और ये अंदर इसका है, इसको कहते हैं विसरल, वी आई एस सी आर एल, विसरल लेयर कहते हैं, ठीक है। ये दोनों का दोनों लेयर को कंबाइंड करके हम क्या कहते हैं, ये दोनों के दोनों लेयर को अगर कंबाइन कर देंगे तो कलेक्टिवली दे आर नोन एज ट्यूनिका वेजिनालिस। क्या कहेंगे इसको? ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है। तो ये है ट्यूनिका, टी यू एन आई सी ए, वेजी वी ए जी आई एन ए एल आई एस, ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है। तो सबसे बाहर लेयर जो देख रहे हैं वो क्या कहलाएगा? उसको कहते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। ये ट्यूनिका वेजिनालिस कितना लेयर का बना हुआ है? इट इज द आउटर लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजिनालिस इज नोन एज पैराइटल लेयर, वेयर एज द इनर लेयर इज नोन एज विसरल लेयर। तो आउटर है ये इनर, ठीक है। आउटर पैराइटल लेयर और इनर कौन सा है? विसरल लेयर। ये दोनों को मिला के कौन सा है? ये पहला लेयर है, दिस इज द फर्स्ट लेयर। और ये फर्स्ट लेयर को क्या कहते हैं? पहला लेयर है ना, इसको कहते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। तो टेस्टिस के सबसे बाहर का लेयर को क्या कहेंगे? ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो देख रहे हैं ये टेस्टिस है, और टेस्टिस के जस्ट ऊपर कवरिंग है, मतलब आप कह सकते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस के नीचे, यही है ना। तो ये जो लेयर देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? दिस लेयर, इसको कहते हैं दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो दूसरा लेयर कौन सा हो गया? T-U-N-I-C-A ट्यूनिका, A-L-B-U-G-I-N-E-A एल्बुजिनिया, ठीक है। तो दूसरा लेयर क्या हो गया? दूसरा लेयर हो गया ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं दूसरा लेयर को, सेकेंड। तो ये देखिए, ये आउटर लेयर हो गया, सबसे आउटर लेयर इज ट्यूनिका वेजिनालिस। फिर मिडिल कौन सा हो गया? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो हो गया ये कौन सा हो गया? ये सेकेंड लेयर हो गया। ट्यूनिका वेजिनालिस कौन सा था? ये पहला लेयर। ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या हो गया? दूसरा लेयर, मिडिल लेयर, ठीक है। इसके बाद दो लेयर हो गया, ठीक है। एक चीज और याद रखिए, ट्यूनिका वेजिनालिस जो है क्या, आउटर पैराइटल का बना है, इनर विसरल। इन दोनों के बीच में स्पेस दिख रहा है ना, इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है? स्पेस। तो ये स्पेस जो होता है ना, द स्पेस बिटवीन पैराइटल एंड विसरल लेयर, दैट इज नोन एज, इसको कहते हैं वेजिनल सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिनल सीलोम, वी ए जी आई एन ए एल, वेजिनल सीओई एलओ एम, सीलोम। तो वेजिनल सीलोम इज प्रेजेंट इन वेयर? ये स्क्रोटल सैक, ठीक है, वो भी ट्यूनिका वेजिनालिस ऑफ स्क्रोटल सैक। तो इसी को क्या कहते हैं? वेजिनल सीलोम और वेजिनल कैविटी भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो वेजिनल कैविटी क्या है? वेजिनल सीलोम कहां प्रेजेंट है? इट इज नॉट, इट इज अ सीलोम नॉट प्रेजेंट इन वेजिना, इट इज अ सीलोम कैविटी इन बिटवीन पैराइटल एंड विसरल, दैट इज ट्यूनिका वेजिनालिस। और इसमें क्या होता है ना, इसमें इसमें एक फ्लूइड भरा होता है पूरे में। क्या भरा हुआ है? फ्लूइड।
और इस फ्लूड को कहते हैं पेरिटोनियल फ्लूड, ठीक है। तो ऊपर लिख दे रहे हैं, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें पेरिटोनियल फ्लूड, PERITONEAL, तो इसमें कौन सा फ्लूड भरा हुआ है, पेरिटोनियल फ्लूड भरा हुआ है, FLUID, इट इज फिल्ड विथ अ फ्लूड नोन एज पेरिटोनियल फ्लूड। अब यही पेरिटोनियल फ्लूड क्या हो गया, ठीक है, क्या भरा है, पेरिटोनियल फ्लूड भरा हुआ है, पेरिटो TONEAL फ्लूड, ठीक है। अब ये पेरिटोनियल फ्लूड सपोज करिए ये भरा है ना, ये बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, एक तो नॉर्मल होता है, ठीक है, शॉक अब्जॉर्बर की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो इसको कहते हैं हाइड्रोसील, ठीक है, और ये ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो क्या होगा, स्क्रोटल सैक क्या होगा, वो फूल जाएगा, ठीक है। तो मेनली कह सकते हैं पेरिटोनिटिस फील्ड विथ पेरिटोनियल फ्लूड, तो पेरिटोनियल फ्लूड, और ये पेरिटोनियल फ्लूड अगर ज्यादा हो जाए तो क्या कहेंगे इसको, अगर ये ज्यादा हो जाए तो इसी को हम कहते हैं कंडीशन हाइड्रोसील, HYDROCOIL हाइड्रोसील। तो इसमें कह सकते हैं कि पेरिटोनियल फ्लूड प्रेजेंट होता है, प्लासेंटी प्रेजेंट, और हाइड्रोसील कंडीशन है क्या, एनलार्जमेंट ऑफ स्क्रोटल सैक, एनलार्जमेंट ऑफ SCROTUM स्क्रोटम, स्क्रोटम अगर बड़ा हो जाए तो क्या कहेंगे इसको, दिस इज नोन एज दैट इज हाइड्रोसील, ठीक है। अब आगे देखिए, ये टेस्टिस है इसके दो, अब ये क्या होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ना, ठीक है, तो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है लेयर, ठीक है, ये क्या हो गया कि ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस के चारों तरफ कवरिंग है, ये क्या होता है, ये डेंस कवरिंग होता है, तो याद रखेंगे इट इज अ डेंस और व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग अराउंड टेस्टिस, ठीक है। तो ये क्या है, याद रखना है, ये डेंस होते हैं और व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग होता है ये, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो डेंस और व्हाइट फाइब्रस, तो हम कह सकते हैं कि पहला लेयर सबसे आउटर नेम द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस इज ट्यूनिका वैजिनालिस, नेम द मिडिल लेयर, तो मिडिल लेयर इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इट इज अ डेंस कवरिंग, डेंस कवरिंग मेड अप ऑफ व्हाट, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कवरिंग और कोट, व्हाइट डेंस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कोट अराउंड टेस्टिस, ठीक है। अब ये जो डेंस कवरिंग है, ठीक है, ये क्या है, ये देखिए, ये वाला ट्यूनिका वैजिनालिस कवरिंग पूरे टेस्टिस पर है क्या, नहीं, पूरे कवरिंग पर नहीं है, ये वाला साइड जो इधर देख रहे हैं वेंट्रल है, कौन सा है ये, इधर वाला जो साइज देख रहे हैं इट इज वेंट्रल, ये वाला जो देख रहे हैं ना ये वेंट्रल साइड है, और इधर जो देख रहे हैं ये कौन सा है, डॉर्सल साइड, ठीक है, ये कौन सा है, वेंट्रल इधर है और उधर क्या है, डॉर्सल साइड, पीछे ये वेंट्रल है ये डॉर्सल, ठीक है। तो देखते हैं क्या कि ट्यूनिका वैजिनालिस डज नॉट फॉर्म्स अ कवरिंग अराउंड होल टेस्टिस, ये क्या है, ये सिर्फ इधर की ओर है, पीछे की ओर पोस्टीरियर में नहीं है, लेकिन ये जो देख रहे हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये वाला ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो देख रहे हैं, ये क्या है, ये इसी के चारों तरफ है, इसके चारों तरफ पूरा है, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया देख रहे हैं क्या है, ये पूरा कवरिंग बना रहा है, डेंस कवरिंग बना रहा है अराउंड टेस्टिस, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है, इट इज मेड ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड फॉर्म्स अ डेंस कवरिंग अराउंड टेस्टिस, कौन सा है, डेंस कवरिंग यही बना रहा है। अब ये टेस्टिस जो है, ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ना ये ऐसे, तो यही ट्यूनिका एल्बुजिनिया पीछे की ओर क्या है, पीछे की ओर एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, वर्टिकल इस तरह का ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, वर्टिकल एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही है, वर्टिकल बना रहा है, और ये वर्टिकल क्या कर रहा है, देख रहे हैं टेस्टिस को एक इधर आगे और पीछे में बांट रहा है। तो सिंपली वी कैन से, ठीक है, कि यही जो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यही ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या हो जा रहा है, ये देख रहे हैं कि थिक हो जा रहा है, वर्टिकली थिकेंड हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो जा रहा है, वर्टिकली थिकेंड, और ये वर्टिकली थिकेंड होके ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसी को कहते हैं, दिट इज नोन एज मेडी स्टाइनम
टेस्टिस कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मेडिस्टाइनम टेस्टिस। तो व्हाट इज मेडिस्टाइनम टेस्टिस, तो सिंपली हम कह सकते हैं वर्टिकली थिकेंड पार्ट ऑफ ट्यूनिका लिबिजुनिया। यही ट्यूनिका लिबिजुनिया क्या है, वर्टिकली थिकेंड हो गया, यही जैसे जा रहा है ऐसे ठीक हो गया, इसी को कहेंगे। तो वर्टिकली थिकेंड, ठीक है, वर्टिकली थिकेंड पार्ट ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया नहीं है, क्या हो गया, यही वर्टिकली थिकेंड हो गया पोस्टीरियर पार्ट में, पीछे की ओर डॉर्सल साइड में, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, मेडिस्टाइनम क्या कहते हैं, टेस्टिस, ठीक है, ये हो गया। अब यहां देखिए, ये तो पूरा कवर किया हुआ है ही ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये वर्टिकली थिकेंड हो गया, इसको कहते हैं मेडिस्टाइनम, क्या कहते हैं, टेस्टिस, ठीक है। अब क्या होता है, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं क्या है, मेडिस्टाइनम टेस्टिस है ना, यही मेडिस्टाइनम टेस्टिस जो है यहां से बहुत सारे, ठीक है, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया का ब्रांचेस निकलते हैं, ठीक है। तो सेप्टा बनता है, कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा निकल रहा है, ये देखिए ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, यही ब्रांच करके ऐसे निकल रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर देखिए यहां से निकल रहा है, फिर ऐसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, फिर ये अराइज कर रहा है ब्रांच होके, अपने ट्यूनिका एल्बुजिनिया से क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये ज्वाइन कर रहा है, ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, तो यहां से निकल रहा है और ये अपने ट्यूनिका एल्बुजिनिया में क्या हो रहा है, ये ज्वाइन कर रहा है। तो इस तरह है ना, ये क्या कर रहा है, ये जो देख रहा है ना, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही है, क्या है ये, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही है, लेकिन कहां से निकल रहा है, मिनी 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 सेप्टा, इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू का सेप्टा होता है, मिनी कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा अराइजेस फ्रॉम दिस मेडिस्टाइनम टेस्टिस एंड जॉइंस द ट्यूनिका एल्बुजिनिया डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है एट डिफरेंट पॉइंट कर रहा है, इसको हम कहते हैं मेडिस्टाइनल टेस्टिस, क्या कहते हैं, सॉरी इसको कहते हैं सेप्टुला टेस्टिस, ठीक है, क्या कहते हैं, SEPTULA सेप्टुला टेस्टिस, ठीक है, इसको कहेंगे, दिस इज नोन एज सेप्टुला टेस्टिस कहेंगे, ठीक है, SEPTULA सेप्टुला टेस्टिस। तो एक्चुअली में सेप्टुला टेस्टिस क्या है, ठीक है, और इसके चलते, ठीक है, और इसके चलते हम क्या देख रहे हैं कि जो टेस्टिस था आगे इधर, तो वो क्या है, बहुत सारा क्या में बट गया, लोब्यूल्स में बट गया ना, अगर ये नहीं था, ये क्या हुआ, ये सेप्टा है ना, बहुत सारा सेप्टा क्या हो रहा है, मेडिस्टाइनम टेस्टिस से निकल रहा है और ट्यूनिका एल्बुजिनिया को डिफरेंट पॉइंट पर ये जाके अटैच हो जा रहा है। तो इसके चलते ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत सारा लोब्यूल्स बन गया ना, तो यहां पर 10-11 ही देख रहे हैं ना, लेकिन एक्चुअली में होते कितने हैं, होते हैं 250 से ज्यादा होते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है 250 टेस्टिकुलर टेस्टिस है ना, लोब्यूल्स बन गया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो एक तरह से सेप्टुला टेस्टिस क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है और बहुत सारा टेस्टिकुलर लोब्यूल बना रहा है, ठीक है। तो सेप्टुला टेस्टिस क्या हो गया, कह सकते हैं इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू का क्या है, सेप्टा, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा, ठीक है, दैट फॉर्म्स क्या, मिनी मिनी क्या बना रहा है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बना रहा है, बांट रहा है ना चेंबर में, दैट फॉर्म्स मिनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं, दैट फॉर्म्स मिनी टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, LOBULES लोब्यूल्स, ठीक है। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो देखेंगे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कितना, 250 होते हैं, ठीक है। तो एक टेस्टिस जो है, एक टेस्टिस देख रहे हैं उसमें कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे, कौन है, दैट इज 250 होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके 250। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल कौन बना रहा है, सेप्टुला टेस्टिस, ठीक है। तो कर सकते हैं इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा, दैट फॉर्म्स क्या बना रहा है, इट फॉर्म्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल कौन बना रहा है, सेप्टुला टेस्टिस बना रहा है। ये क्या कर रहा है, वर्टिकली थिकेंड पार्ट है मेडिस्टाइनम, यहां से निकल के बहुत सारा बना दिया, ठीक है। तो ईच टेस्टिस इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, 250, ठीक है। अब देखिए 250 ऐसे ऐसे लोब्यूल्स हैं, एक लोब्यूल को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं,
एक लोब्यूल देख रहे हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है, यही है ना, एक एक ही है। अब एक लोब्यूल में दो पार्ट देखते हैं हम, क्या देखते हैं, दो चीज, ठीक है। तो हरेक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हम देखेंगे, ठीक है, हरेक टेस्टिकुलर लोब्यूल देखेंगे उसमें दो चीज पाया जाएगा। ये मान लेते हैं कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, यही ना, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल, तो इसमें दो चीज देखते हैं, ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स देखेंगे, क्या देखेंगे, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। तो यहां पर देखेंगे, ये देखिए, तो ये क्या है, ऐसे दिखा दे रहा है, एक दो तीन, ठीक है, ये क्या हुआ, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में हम क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं तीन ऐसे स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कितने होते हैं, दो से तीन होते हैं पर टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कितने होते हैं, दो से तीन, ठीक है, तो दो से तीन पर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं इसमें, याद रखिएगा, ठीक है। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कितने होते हैं, दो से तीन, ठीक है, तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या है, दो से तीन क्या दिखाई दे रहे हैं, दैट इज सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। और एक चीज और इसमें होता है, तो इसको रेड से बना रहे हैं, इसी के बीच बीच में, मतलब दो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है ना, तो दो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीच बीच में क्या होते हैं, एक और स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं दैट इज लीडिंग सेल। और दोनों के बीच में स्पेस हो गया ना, तो दोनों के बीच में जो स्पेस होगा उसको क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस ना, दो क्रिप्स सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इस सेल को, दोनों के बीच में जो सेल है इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल, आई एन टी ई आर एस टी आई टी आई एल, इंटरस्टिशियल। और इसको लीडिंग ने डिस्कवर किया था, इसीलिए लीडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, लीडिंग सेल्स। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने चीज है, दो चीज है, दो से तीन पर टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है, और क्या है, इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल्स है, ठीक है। तो ये जो है ना, इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल्स, ये एंडोक्राइन सेल्स है, यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करता है, ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करेगा, और यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो सेक्रेट कर रहा है बाहर, ये कहां चला जाएगा, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में डिफ्यूजन से चला जाता है, और यहां से फिर देखेंगे बाहर कैसे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, दो चीज हो गया, इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल्स और सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, दो से तीन होते हैं एक में, तो ये पर टेस्टिकुलर, ठीक है, पर टेस्टिकुलर, तो ये अंडरस्टूड है, पर टेस्टिस देख रहे हैं ना, तो एक टेस्टिस टेस्टिकुलर लोब्यूल में देख रहे हैं, क्या हो गया, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में दो से तीन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होंगे, और क्या होंगे, दोनों के बीच में, दोनों सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीच में ये देखेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस में होगा कुछ सेल, तो इसको इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल्स कहेंगे, ठीक है, तो लीडिंग सेल्स होंगे। लीडिंग सेल्स का नाम क्यों होगा, क्योंकि इसको लीडिंग ने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इतना, अब देखिए, अब ये जो एक्चुअली में देखेंगे, ये वाला एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को बड़ा करके, ठीक है, ये दोनों क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल में है, ठीक है, ये क्या है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, इसी को बड़ा करके देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, बड़ा करके देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर इस तरह का दिखेगा, ठीक है, बड़ा करके दिखा रहे हैं इसको, तो इसको हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, तो ये चाहे इसको ऐसा करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं इसको पहले देखे, अब देखिए, तो ये क्या हुआ, ट्यूनिका वैजिनालिस, तो इसके तीन लेयर होते हैं, ठीक है, तो कह सकते हैं टेस्टिस, थोड़ा लिखते भी जाए टेस्टिस, ठीक है, तो टेस्टिस जो है, टेस्टिस इट इज सराउंडेड बाई और कवर्ड बाई हाउ मेनी लेयर्स, थ्री लेयर्स, ठीक है, कौन कौन से थ्री लेयर्स हैं, तो कह सकते हैं ट्यूनिका वैजिनालिस, ठीक है, ये कौन सा है, ट्यूनिका वैजिनालिस, तो ट्यूनिका वैजिनालिस क्या है, इट इज आउटर लेयर, सबसे बाहर, ठीक है, इसके बाद
ट्यूनिका मीडिया सॉरी ट्यूनिका एल्यूजिनिया, ठीक है, ये डेंस कवरिंग बना रहा है ना, यही ट्यूनिका डेंस कवरिंग कौन बना रहा है टेस्टिस के चारों तरफ, आंसर विल बी ट्यूनिका एल्यूजिनिया। तो ये क्या है, मिडिल लेयर है, MIDLE, EE, ठीक है। इसके बाद एक तीसरा लेयर जो होता है वो भी होता है, तो तीसरा लेयर को कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाद इसको कहते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा कहते हैं, क्या कहते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। तो तीन लेयर होते हैं इसमें, ठीक है। और ये क्या होता है इनर लेयर, तो आपको पूछ देगा नेम द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कवरिंग लेयर और कवरिंग ऑफ टेस्टिस, आंसर विल बी ट्यूनिका वेजिटलिस। इनर मोस्ट कौन सा है, दैट इज ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ये क्या है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। तो ये तो सेप्टा बना रहा है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है पूरा डेंस कवरिंग है, यही अंदर भी बना रहा है, वर्टिकल भी बना रहा है, इससे भी बना रहा है, ठीक है। लेकिन तीसरा क्या है, तो ये वाला जो है ना ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल, तो ये वाला यहां पर ये देखिए लोब्यूल्स है ना, ये लोब्यूल्स को घेरे हुए है, इसके चारों तरफ भी क्या है वेस्कुलर लेयर है, इसके चारों तरफ भी एक कवरिंग है, तो इसी कवरिंग को हम क्या कहते हैं तीसरा, तो इसको कहते हैं दैट इज ट्यूनिका ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। तो ये तीसरा लेयर है, ठीक है, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ठीक है। तो ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा है, इट इज द थर्ड कवरिंग, VASCULOSA, ठीक है। तो नेम द वेस्कुलर कोट, ठीक है, तो इट इज एक्चुअली ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा क्या है, इट इज द वेस्कुलर कोट है अराउंड सेमिनिफरस, तो कह सकते हैं ये टेस्टिकुलर लोब्यूल को पूरा घेरे हुए है, ऐसे पूरा लोब्यूल के चारों तरफ ये अंदर तक ऐसे घिरा हुआ है, इसी को क्या कहते हैं दैट इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। तो इट इज अ वेस्कुलर कोट अराउंड लाइन सेमिनिफरस, तो कोट अराउंड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। तो वेस्कुलर कोट लिख रहे हैं, वेस्कुलर कोट है अराउंड क्या, अराउंड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के चारों तरफ ये पाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है वेस्कुलर कोट अराउंड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये है ये डेंस और ये, तो ये इट इज कवर्ड बाय थ्री लेयर्स, ये तीनों लेयर्स याद रखेंगे, सबसे अंदर ये, सबसे बाहर ये और मिडिल में ये, ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो गया, इट इज कवर्ड बाय थ्री लेयर्स, ईच टेस्टिस जो देख रहे हैं अभी तो देखें, ईच टेस्टिस, ठीक है, इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी, अब ये सेप्टुला टेस्टिस इसको कितने कंपार्टमेंट बन रहा है, ईच टेस्टिस इज मेड अप ऑफ अबाउट क्या 250 कंपार्टमेंट, स्मॉल कंपार्टमेंट ना, इट इज मेड अप ऑफ क्या स्मॉल कंपार्टमेंट, और वो कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। तो ईच टेस्टिस इज मेड अप ऑफ क्या, इट इज मेड अप ऑफ मेनी कंपार्टमेंट्स, मेनी, ठीक है, तो मेनी मतलब कितना हो गया, तो ये लिख दे रहे हैं सीधे, इट इज मेड अप ऑफ 250 कंपार्टमेंट्स, 250 कंपार्टमेंट्स, ठीक है, कॉल्ड क्या कहते हैं इसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कैसे बनाए हम आपको बता चुके हैं, तो ये 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बने हैं, ठीक है, 250 एक दो तीन चार इस तरह, ठीक है। ये अब ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, इज मेड अप ऑफ टू सेल्स, ठीक है। अब ये ईच जो देखेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल वो क्या है, दो सेल्स के बने हैं, ठीक है। तो ये देखिए ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कौन सा, दो सेल, यही और ये है ना, ठीक है, ये क्या बने हुए, इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी सेल्स, इट इज मेड अप ऑफ टू सेल्स, ठीक है। अब ये टू सेल्स कौन कौन सा है, यहां देखिए यही है ना टू सेल्स, ठीक है। तो ये दो सेल कौन कौन सा है, ये दो सेल्स हैं, दैट इज सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, और इसी को कहते हैं क्रिप्स, क्या कहेंगे CRYPTS क्रिप्स, ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स और क्रिप्स। और दूसरा जो है कौन सा है, देखिए सेमिनिफेरस टिब्यूल्स और क्रिप्स, ईच देख रहे हैं ना, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल देख रहे हैं, तो ये क्रिप्स के बने हैं, और ये क्या होते हैं, दो से
दो से तीन के करीब होते हैं, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, और दूसरा जो है वो क्या है, दैट इज इंटर स्टीशियल और लीडिंग सेल्स। यही दो चीज के बने हैं ना, ये दो चीज है इसमें, दो सेल्स, ठीक है। तो ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल इज मेड अप ऑफ कितने सेल्स, टू सेल्स। कौन से दो सेल्स हैं, तो एक को कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स और दूसरे को क्या कहेंगे, दोनों सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में है स्पेस, इंटरस्टीशियल स्पेस में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंटरस्टीशियल और लीडिंग सेल्स, बना चुके हैं वहां, ठीक है। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो देखेंगे, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इसमें दो पार्ट होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में क्या होते हैं, दो पार्ट, ठीक है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स देखेंगे तो इसमें क्या होगा, दो पार्ट होंगे। कौन कौन से दो पार्ट होंगे, यहां देखिए, एक को कहते हैं दैट इज नोन एज स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, और दूसरा क्या है, दूसरा है दैट इज इसको कहते हैं सर्टोली सेल्स, एस सी आर टी ओ एल आई सर्टोली, और इसी को सपोर्टिंग और इसी को बहुत सारे नाम है, तो सर्टोली सेल्स, और इसी को सस टेंटाक्यूलर, बहुत सारा नाम है, सस टेंटाक्यूलर सेल्स, तो इसका इसको बाद में देखेंगे। तो ये क्या है, सर्टोली सेल्स, और लिख दे रहे हैं सस टेंटाक्यूलर सेल्स। तो ये दो चीज, दो सेल्स के बने हुए हैं, ठीक है, ये दोनों का दोनों, ठीक है, ये है। अब क्या देखेंगे, ये है, तो यहां पर एक्चुअली में देखिए ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स और लीडिंग सेल्स है ना। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को बड़ा करके देख रहे हैं, ये ना सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स दो तीन है ना, इसको बड़ा करके देख रहे हैं, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इसको काट के, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल को काट के देख रहे हैं, मतलब ये पूरे को काट के देख रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। तो काट कर देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये देखिए टेस्टिकुलर लोब्यूल इस तरह का गोला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये तो इसमें क्या है, अगर टेस्टिकुलर लोब्यूल को हम काट के देख रहे हैं तो टेस्टिकुलर लोब्यूल में देखिए एक दो तीन, यही ना, तो दो से तीन पाए जा रहा है गोल साइज स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल को बना रहा है, क्या बना रहा है, ये दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको हम यहां पहले लिख रहे हैं, फिर ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है और सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में दो सेल्स हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स और सर्टोली सेल्स, यही ना। तो अब ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो देख रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, डिवाइड करके, यही स्पर्मेटोगोनिया सेल डिवाइड करके क्या बनाता है, यही बनाएगा दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कैसे बनाएगा बाद में देखेंगे, तो ये बनाता है डिवाइड करके क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। ये जब डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कैसे बनाएगा सब अभी बाद में देखेंगे हम, स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करके क्या बनाएगा, स्पर्मेटिड्स कहते हैं, SPERMATIDS, ठीक है। और ये डिवाइड जब करेगा ना तो स्पर्म्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, स्पर्म्स। तो ये दोनों तो कह सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का फंक्शन क्या हो गया, द फंक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। अब ये स्पर्मेटिड क्या होता है और स्पर्म, दोनों में अंतर है, ये जो होता है नॉन मोटाइल होता है, क्या होता है ये, नॉन मोटाइल, और ये क्या होता है, मोटाइल होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये स्पर्मेटिड है वो नॉन मोटाइल था, इसमें टेल वगैरह फ्लैजेला वगैरह नहीं था, लेकिन जब फ्लैजेला लग गया ना तब ये क्या हुआ, मोटाइल हुआ स्पर्म, ठीक है। तो ये कैसे बनता है हम देखेंगे, स्पर्मेटोगोनिया जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है डिवाइड करके, ये डिवाइड करके स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी, ये डिवाइड करके स्पर्मेटिड, ये डिवाइड करके स्पर्म, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं वो क्या बनाएंगे, स्पर्म। तो यहां पर देखिए, यहां ये ऐसे, तो एक ये क्या बनाया है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाया है, क्या बनाया है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में देखेंगे ऐसे ऐसे कितने हैं, तीन, ठीक है। तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है ना, ये क्या है, दोनों टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो ये देखिए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हम दो चीज देख रहे हैं, कौन कौन सा, ये और ये।
इसी को हम काट के देखते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल को। तो ये क्या देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही क्या है, दिस इज सेमिनिफेरस टिबुल्स, यही है। ये क्या है, दो से तीन है ना, तो दो से तीन सेमिनिफेरस टिबुल्स ये देख रहे हैं, तो यही क्या है, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है। और इसी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीच में क्या है, स्पेस है ना, इंटरस्टीशियल स्पेस, इसी में जगह जगह पर क्या देखेंगे इस तरह का, अगर होगा तो इसी में बीच बीच में क्या होगा, स्पेस है ना, तो इसी स्पेस में ये क्या है, इंटरस्टीशियल और लीडिंग सेल्स है। तो ये वाला देखिए इंटरस्टीशियल है, क्या है ये इंटरस्टीशियल और लीडिंग सेल्स, ये है बीच बीच में, तो ये दोनों हो गया। तो यहां पर हम लेबलिंग कर देते हैं कहीं नीचे, तो ये वाला सेल्स को क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, बीच में, तो इसको ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ये क्या है कि ये जो है ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है, तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, सेमिनिफेरस, SEMINIFEROUS, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स एरिया, ठीक है। क्या है ये, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ठीक है। और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो है इसमें कितना है, ये दो से कितना है, तीन, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कितना है, एक दो तीन, तो ये तीन जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, यही तीन स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है, ठीक है। और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ये लाल वाला जो देख रहे हैं वो क्या है, ये जो दूसरा है दैट इज इंटरस्टीशियल सेल, ठीक है। क्या है ये, इंटरस्टीशियल सेल, तो लाल वाला जो देख रहे हैं ये क्या है, दिस इज इंटरस्टीशियल सेल है, ठीक है। तो ये क्या है, लिख दे रहे आई एन टी आर एस टी आई टी आई एल, और कौन सा सेल, और इसी को लीडिंग सेल्स भी कहते हैं, एल ई वाई डी आई जी, लीडिंग सेल। तो ये आपको बता चुके हैं, तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में दो से तीन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स और इंटरस्टीशियल सेल दिखा दिए, ठीक है। अब ये देखिए यही तो है, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है, ठीक है, और दूसरा क्या है, दैट इज इंटरस्टीशियल और लीडिंग सेल्स, यही तो दो सेल्स है, ठीक है, लीडिंग सेल्स, ठीक है। अब क्या है, अब यहां पर देखेंगे ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में दो है, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली, तो ध्यान दीजिएगा यहां देखिए ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है, और इसी को क्या कहते हैं, सी आर वाई पी टी एस, क्रिप्स है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स और क्रिप्स, ठीक है। अब यहां देखिए ये क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो देख रहे हैं इसमें लंबे लंबे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं, कॉलुमनर सेल्स है, कैसा सेल्स है, कॉलुमनर सेल्स, तो सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है, ऐसे इसमें भी है, सभी में कॉलुमनर सेल्स है। तो ये जो कॉलुमनर सेल्स देख रहे हैं ना, यहां देखिए दो है ना, सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया सेल, तो ये जो कॉलुमनर सेल ये वाला देख रहे हैं, इसी को कहते हैं कॉलुमनर सेल, इसी को कहते हैं क्या, दिस इज नोन एज सर्टोली, दिस इज नोन एज सर्टोली सेल्स और सस्टेंटाक्यूलर सेल्स कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे दिस इज नोन एज सर्टोली और सस्टेंटाक्यूलर, तो इसको हम यहां पर बना देते हैं इधर, ठीक है। ये क्या है, सर्टोली सेल्स है, SERTOI सर्टोली सेल्स, ठीक है। ये लंबा सा कॉलुमनर सेल्स है, सर्टोली सेल्स, ठीक है, आगे अभी लिखवा देंगे। और इसमें कुछ सेल्स ऐसे ऐसे देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे यहां पूरे दोनों के बीच में है ऐसे, इसी को क्या कहते हैं, सभी में इसी को कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल, क्या कहेंगे इसको, ये बीच में इसी को स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है ये, ठीक है। तो ये वाला जो सेल्स देख रहे हैं इसी को क्या कहेंगे, ये जो बीच बीच में है ऐसे, तो इसी को क्या कहेंगे, दिस इज स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, तो इसको हम उसी साइड में लिखने का कोशिश करें ताकि याद रहेगा आपको। इसके दो पार्ट, ये लंबा वाला जो है सर्टोली सेल्स, और ये वाला क्या है, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, तो इसको कहां लिखा जाए, इसको स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, तो इधर कहीं लिख देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, ये है, इसी का स्ट्रक्चर है देख रहे हैं। और ये क्या है, ये वाला, तो ये वाला जो देख रहे हैं, इट इज व्हाट, सर्टोली सेल्स, और ये है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, ठीक है। तो ये दो सेल्स हो गए यही, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो डिवाइड करके क्या किया, ये डिवाइड किया, तो ये स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड किया, तो सेकेंडरी बनाए टर्सियरी, और बीच में क्या दिखाई देगा, ऐसे स्पर्म बना देगा फाइनली, ठीक है, फाइनली क्या बना देगा, स्पर्म, ठीक है।
तो इसका काम है स्पर्मेटोगोनिया सेल का स्पर्म बनाना। सर्टोनी सेल का काम क्या है? बहुत सारा काम है, ठीक है। ये जो सर्टोनी सेल्स है ना, यह देखिए, ये जो स्पर्म है, ठीक है, ये जो स्पर्म है ये क्या कर रहा है? इसको नरिशमेंट देगा। ये स्पर्म जो है इसके साथ सटता है, ठीक है, सटता है सस्टेंटिकुलर सेल से, ठीक है, सर्टोनी सेल से, और वो उससे न्यूट्रिशन लेता है। तो कह सकते हैं इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, अभी अगले इसमें देखेंगे। सर्टोनी सेल इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट, ठीक है। दूसरा देखेंगे, ये इनहिबिन निकालता है। तीसरा एंटी मुलेरियन हार्मोन निकालता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। तो सब फंक्शन अभी हम देखेंगे आगे। तो कह सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाया और ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रिशन देगा। सर्टोनी सेल्स क्या, ये स्पर्म बनाएगा, ये देखिए ये स्पर्म बनाएगा और ये क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट। तो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, तो ये क्या करेगा, इट न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग क्या, टू डेवलपिंग क्या, स्पर्म। तो स्पर्म्स बन रहे हैं यहां पर बीच में, ये इसके साथ सटेगा और उससे न्यूट्रिशन देगा। हालांकि और भी फंक्शन सभी देखेंगे। इंटरस्टिशियल लिमिटिंग सेल्स क्या करेगा, ये बता चुके हैं, इट सेक्रेट्स हार्मोन, मेल हार्मोन, और मेल हार्मोन को क्या करते हैं, एंड्रोजेंस कहते हैं। एंड्रोजेंस जैसे क्या हो गया, एक एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन। तो ये क्या निकालेगा, टेस्टोस्टेरोन निकालेगा, ठीक है। तो अभी पूरा डिटेल में हम इसके बारे में, सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। अभी हम देखें ये क्या हुआ, ये हो गया डक्ट, डक्ट ये तो बता दिए ऐसे, तो टेस्टिस हो गया। टेस्टिस के बाद हम देखे थे एक्सेसरी डक्ट्स देखे थे, ठीक है, और एक्सेसरी ग्लैंड। तो एक्सेसरी डक्ट में कौन सा बताए थे, ट्यूबली रेक्टाई बताए थे सबसे पहले, फिर रिट टेस्टिस। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है, हरेक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट है, क्या है, हरेक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, हरेक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में ऐसे ऐसे कितने हैं, तीन है ना। तो ये देखिए इसमें भी होगा एक दो तीन, ये टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट है, इसमें भी क्या होगा, तीन सेमिनिफेरस, इसमें क्या होगा, दो से तीन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, इसमें भी क्या होगा, दो से तीन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, इसमें भी क्या होगा, दो से तीन सेमिनिफेरस, इसमें भी क्या होगा, दो से तीन। तो इसी तरह सेमिनिफेरस ट्यूबल्स क्या होगा, दो होगा, किसी में तीन होगा, इस तरह, ठीक है। और क्या होगा इसमें, ये तो होगा ही होगा, इसके अलावा ये इन दोनों के बीच में क्या हो गया, इंटरस्टिशियल सेल्स भी होंगे, दैट इज लीडिंग सेल्स। तो इतना तो अंडरस्टूड है। अब देखिए ईच कंपार्टमेंट में जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हैं, यही है ना, दो से तीन, एक दो तीन, तीनों का तीनों सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में क्या बन रहा है, इसमें इसमें स्पर्म बन रहा है ना अंदर, तो ये स्पर्म लिख लेगा ना कहीं जाके। तो ये देखिए तीनों का तीनों, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों का तीनों सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में स्पर्म बन रहा है, ठीक है। और ये स्पर्म क्या होगा, ये स्पर्म जो है बन के, ये तीनों का तीनों है ना, ये मेडिस्टेनल टेस्टिस है, यहां यहां से बाहर निकलेगा, और जब निकलेगा ना बाहर तो एक ट्यूब बन जाएगा। तीनों जब निकलेगा तो बाहर क्या होगा, एक स्ट्रेट ट्यूब बनाएगा। तो ये देखिए तीनों निकला ऐसे, ये स्ट्रेट ट्यूब बनाया, ये क्या हुआ, तीनों का तीनों निकला, एक स्ट्रेट ट्यूब बनाया इस तरह, ठीक है, स्ट्रेट, एक ये क्या बनाया, एक स्ट्रेट ट्यूब बनाया, ये क्या हुआ, स्ट्रेट ट्यूब बनाया, ये तीनों का तीनों लग रहा है स्ट्रेट ट्यूब, ये तीनों का तीनों स्ट्रेट ट्यूब, ये तीनों का तीनों एक स्ट्रेट ट्यूब बनाया, एक स्ट्रेट ट्यूब बनाया इस तरह, ठीक है। तो जितने भी निकल रहे हैं एक स्ट्रेट ट्यूब में निकल रहा है, इसी स्ट्रेट ट्यूब को हम क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रेट ट्यूब बना रहा है इसी को कहते हैं दैट इज ट्यूबली रेक्टाई, टी यू बी यू एल आई आर ई सी टी आई रेक्टाई, ठीक है। आपके बुकलेट में फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है, वो भी। तो ट्यूबली क्या कहते हैं इसको, ट्यूबली रेक्टाई। तो बताया थे ना सबसे पहला जो डक्ट है क्या है, टेस्टिस के अंदर डक्ट, ट्यूबली रेक्टाई। तो देख रहे हैं तीनों सेमिनिफेरस ट्यूब्स जो भी हैं वो सब क्या है, जुटकर स्पर्म इसमें है, सब स्पर्म कहां आया, वहां से ट्यूबली रेक्टाई में आया। तो व्हाट इज ट्यूबली रेक्टाई, तो आपको याद रखना है दे आर सिंपली स्ट्रेट ट्यूब्स, क्या है वो, स्ट्रेट ट्यूब्स है, ठीक है। तो नेम द स्ट्रेट ट्यूब विच इज फॉर्म्ड बाई सेमिनिफेरस ट्यूब्स, तो आंसर विल बी कौन सा, ये हो गया ट्यूबली रेक्टाई, ठीक है। अब ये ट्यूबली रेक्टाइल जो है, ये बहुत सारा है ना स्ट्रेट ट्यूब्स, ये सब आकर एक जगह खुलेंगे, क्या खुलेंगे, आकर एक जगह खुलेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, एक जगह आकर खुलते हैं और इसको हम कहते हैं अब क्या, रीट टेस्टिस, ठीक है। सीक्वेंस में बताया था ना रीट टेस्टिस, तो ये देखिए सब आया
और ये क्या हुआ यहाँ पर देखिए नेटवर्क बनाता है, यहां ध्यान दीजिएगा ये सब आया और क्या बनाया है नेटवर्क बनाया, ये देखिए इस तरह ऐसे बना दे रहे हैं ऐसे, तो ये बहुत सारा ये यहाँ पर खुल रहा है, ये यहाँ खुल रहा है, ये यहाँ पर खुल रहा है, ये यहाँ पर खुल रहा है, यहाँ पर खुल रहा है, यहाँ खुल रहा है, यहाँ खुल रहा है, यहाँ खुल रहा है, और ये क्या होगा बहुत सारा है ना, कितने हैं 250 है, एक नहीं है 250 इस तरह के आ रहे हैं, ठीक है 250। अगर पूछेगा एक एक टेस्टिस में कितने, एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, आंसर में भी 250। एक टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है पूछ देगा, एक टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, तो देखिए तीन इसमें है तो तीन इंटू तीन तीन है ना 250 है टोटल लोब्यूल्स, और हर एक में मैक्सिमम तीन है तो कितने हो जाएंगे 750 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होंगे, एक टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होंगे, ठीक है तो ये दो से तीन एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 250 है तो कितना हो जाएगा 750 के करीब हो जाएगा, उतने टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स सब कहां खुले, स्ट्रेट ट्यूब्स में खुलते हैं, इसको कहते हैं ट्यूबली रेक्टाई, और ये सारे ट्यूबली रेक्टाई मिलकर कहां खुल रहे हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स बना रहे हैं यहां पर, इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं रीट टेस्टिस, बताए थे ना रीट टेस्टिस याद रखने के लिए यही है, तो रीट टेस्टिस क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ, नेटवर्क है ऑफ ट्यूब्यूल्स, तो ट्यूब्यूल्स का ये क्या है याद रखना है नेटवर्क है बहुत सारा, तो स्टेट ट्यूब बहुत सारा ये बना दिया यहां पर। अब देख रहे हैं ये ट्यूबली रेक्टाइल टेस्टिस के अंदर है कि बाहर है, अंदर है, रीट टेस्टिस टेस्टिस के अंदर है कि बाहर है, अंदर है, ठीक है तो टेस्टिस के अंदर है दोनों, उसी तरह अब यहां से क्या होगा ये है ना यहां, अब यहां से रीट टेस्टिस से इस तरह का एक स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है अब देखिए रीट टेस्टिस है ना यहां से ऐसे ऐसे निकल रहा है स्ट्रक्चर, कुछ अंदर है बाहर है, बाहर भी आ रहे तो अंदर ही मानेंगे इसको, अंदर ही से निकल रहा है ना, तो एक दो तीन चार तो इस तरह करके देखेंगे पांच छ सात आठ नौ दस इस तरह, तो इस तरह के 10 to 20 मैक्सिमम निकल रहे हैं रीट टेस्टिस से, क्या निकल रहे हैं इस तरह के स्ट्रक्चर निकल रहे हैं कितने 10 to 20, और इसी को क्या करते थे इसके आगे वास एफरेंसिया बताए थे सीक्वेंस में, इसी को वास एफरेंसिया, यही वास एफरेंसिया फिर कहां खुलेगा एपिडाइडेमिस में, तो ये देखिए ये मिलकर एक कॉमन डक्ट इस तरह बनाएगा ऐसे, और ये क्या होगा डक्ट इस तरह कॉइलिंग कॉइलिंग करेगा, तो यहां पर देखिए ये ऐसे था, ये क्या हुआ ये ऐसे, ऐसे तो इस तरह का कॉइलिंग करके बनाएगा, तो ये देखिए ऐसे है फिर ऐसे ऐसे, ठीक है तो इसको थोड़ा इधर देखा है करके कॉइल, तो ये हाईली कॉइल्ड है स्ट्रक्चर, ये देखिए ऐसे बहुत सारा कॉइलिंग है अलग करके दिखा रहा है, तो इस तरह ये एपिडाइडिमिस है, ठीक है तो ये वाला कौन सा है ये जो बना रहे हैं दिस इज वास वासा ई डबल एफ ई आर ई एन टी आई ए वासा एफरेंसिया कहते हैं, ठीक है और इसी को क्या कहते हैं डक्ट्यूली एफरेंटिस, क्या कहते हैं डक्ट्यूली एफरेंटिस, तो आपको बता चुके हैं। अब देखिए तो ये कहां खुला तो ट्यूबली रेक्टाई खुलता है कहां पर, ट्यूबली रेक्टाई स्ट्रेट ट्यूब है, इट ओपन टू नेटवर्क ऑफ ट्यूबल रीट टेस्टिस, ये कहां खुल रहा है वास एफरेंसिया, ये वास एफरेंसिया एक्चुअली में 10 से 20 तक हो सकते हैं नंबर में, ठीक है इसके बाद ये कहां खुल रहा है ये खुल रहा है एपिडाइडिमिस में, ठीक है ये कहां खुल रहा है एपिडाइडिमिस में, एपिडाइडिमिस का कौन सा पार्ट इसको इधर करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है और इसी को क्रिट, तो यहां पर देखिए ठीक है यहां पर वास डिफरेंस कहां खुल रहा है कॉइल ट्यूब में खुल रहा है, इसी को एपिडाइडिमिस कहते हैं। अब एपिडाइडिमिस का जो ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या कहेंगे हम, बताए तो थे कैपट हेड, इसके बाद बीच वाला पार्ट है उसको क्या कहेंगे कॉर्पस, और सबसे नीचे वाला पार्ट है उसको क्या कहेंगे कॉडा एपिडाइडिमिस, तो ये तीनों का तीनों पार्ट क्या हुआ एपिडाइडिमिस में खुलता है, ठीक है और ये एपिडाइडिमिस जो होता है आप याद रख सकते हैं कितना होता है ये 6 मीटर लॉन्ग होता है, तो कह सकते हैं इट इज 6 मीटर लॉन्ग, तो ये 6 मीटर तक होता है ये, ठीक है एपिडाइडिमिस, तो ऊपर वाला कैपट फिर नीचे कॉर्पस और फिर कोडा एपिडाइडिमिस, ठीक है अब यहां पर देखिए ये कहां खुलेगा फिर ये खुलेगा आगे जाएगा तो कहां पर आ जाएगा ये आगे जाएगा ऐसे, तो इसको क्या कहेंगे दैट इज नोन एज वास डिफरेंस, तो इसको कहते हैं वास डिफरेंस कहते हैं, इसमें खुलेगा
इसी को स्पर्म डक्ट में तो देख रहे हैं। हम बताए थे ना कि ट्यूबली रेक्टा याद रखिएगा, रिट टेस्टिस ये खुलता है, वास डिफरेंसिया ये खुलता है, एपिडाइडिमिस तीन पार ये वास डिफरेंस में खुलता है, फिर आगे क्या में खुलता है अभी हम अगले स्टेप में देखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अभी तक बताया कि टेस्टिस के तीन लेयर है, पहला लेयर बाहर वाला ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका लुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, तीन लेयर लिख चुके हैं। इस बार इस टेस्टिस इज मेड अप ऑफ 250 कंपार्टमेंट, कौन बना रहा है, सेटुला टेस्टिस बना रहा है इसके चलते। और ये ईच कंपार्टमेंट में क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स और ट्यूब्स होते हैं दो से तीन, और इंटरस्टिशियल और ल्यूटिक सेल्स होते हैं। ये तो एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करेगा, मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन सेक्रेटेड बाय व्हिच सेल्स, इंटरस्टिशियल और ल्यूटिक सेल्स, और इसमें सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोकोनियल सेल्स, और ये ट्यूब्स कैसे कैसे जा रहा है ये आपको याद रख रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टेस्टिस।